तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है एंगल ग्राइंडर का गियर, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास है दो एंगल ग्राइंडर का गियर। आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें इसका छोटा वाला गियर भी ले लेना है, और आपको रिपेयर शॉप पे या फिर कबाड़े में बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए एक कटर का गियर बॉक्स, मतलब दोस्तों छोटा और बड़ा वाला गियर चाहिए, जिससे दोस्तों इसका टॉर्क काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो पाएगा। हम कुछ इस तरीके से दोस्तों इसको फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है कि इस एंगल ग्राइंडर के जिस तरफ से दोस्तों ब्लेड को कसा जाता है, उस तरफ से दोस्तों हम इस छोटे वाले गियर को फिट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें दोस्तों इसको घिसना पड़ेगा। सबसे पहले हम एंगल ग्राइंडर ऑन कर लेंगे, और इसके बाद हम कुछ इस तरीके से घिस लेंगे। घिसने के बाद हम उसमें फिट भी कर लेंगे, और उसके बाद हमें चाहिए एक 775 डीसी मोटर। अगर 775 डीसी मोटर की शापट को मोटा करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं ये गियर काफी अच्छे तरीके से इस 775 डीसी मोटर में फिट आ रहा है। बहुत ही आसानी तरीके से आप इसकी शापट को मोटा कर सकते हैं, और ये परमानेंट सॉल्यूशन भी होने वाला है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद हमें एक पीवीसी पाइप लेना है, जो कि दोस्तों हेवी शीट है। हमें यहाँ पे इसको होल कर लेना है, और इसके स्क्रू को भी टाइट कर लेना है। तो सबसे पहले हम इसके मिड पॉइंट को निकाल करके स्टेप ड्रिल बिट की मदद से होल कर लेते हैं। हमें एक और पीवीसी पाइप ले लेना है, और उसको होल सा की मदद से होल कर लेंगे। यहाँ पे हम 6202 का बैरिंग इस्तेमाल करने वाले हैं। मोटर के नट को टाइट करने के लिए होल कर लेंगे और टाइट भी कर लेंगे। यहाँ पे हमने टाइट कर लिया है, और कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पे फिट करने वाले हैं, और हम इसको फेविकिक की मदद से चिपका लेते हैं। यहाँ पर हम अच्छे तरीके से फेविक का इस्तेमाल करेंगे, ताकि ये दोस्तों टूटे ना, मतलब दोस्तों नेक्स्ट टाइम ये डैमेज ना हो। यहाँ पर हम एक 9 mm और 5 इंच का नट बोल्ट यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे टेप लगा लिए हैं, और इस गियर को कुछ इस तरीके से इस नट में फिट करेंगे, और उस टेप के ऊपर ये काफी अच्छे तरीके से फिट होगा, और हम नट की मदद से उसको टाइट कर लेंगे। यहाँ पे हम एक 629 नंबर का बैरिंग यूज कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके से लगा करके हम एक और नट को लगा करके बैरिंग को टाइट कर लेंगे, और हमें दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको फिट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इस बैरिंग के लिए होल करना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक पीवीसी पाइप की जरूरत पड़ेगी। हम एक पीवीसी पाइप ले लेंगे, और उस पीवीसी पाइप के ऊपर हम मार्किंग करके इसको होल कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने होल कर लिया है, और ये काफी अच्छे तरीके से इसमें फिट आ रहा है। तो चलिए हम इसको भी चिपका लेते हैं अच्छे तरीके से गियर में मेश करके। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हमने अच्छे तरीके से फेविकिक की मदद से चिपका लिया है, और हम इसको चारों तरफ से पीवीसी पाइप की मदद से चिपका लेते हैं। हम साथ ही साथ इसमें ग्रीस का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि गियर से ज्यादा आवाज नहीं आए। तो चलिए हम पीवीसी पाइप की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं। हमने अच्छे तरीके से इसको चिपका लिया है, और आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे तरीके से ये फिट आ रहा है, और ये शापट भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए हम आपको टेस्ट करा के दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों थ्रेड के कारण हल्का सा इम्बैलेंस चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हम काफ़ी चीज़ों को उठा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 kg का एक पंखा है, जो कि तूफान का है।
आपको वेट कर सकते हैं। मतलब दोस्तों गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये काफ़ी अच्छे तरीके से उठा रहा है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से डाउन भी कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम एक हेवी लोहे का टुकड़ा यूज़ कर रहे हैं जो कि दोस्तों 1.25 kg का है और हमने इसको भी लटका लिया है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी लिफ्ट कर रहा है। साथ ही साथ हम इसमें 1 kg और इस पर रख करके टेस्ट करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम एक और 1 kg का इस्तेमाल करेंगे, कुल दोस्तों 4.5 kg हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से उठा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।